यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सर्विस नंबर 6477 बस स्टैंड नंबर 2 से रवाना होने के लिए तैयार है। सुनो बेटा, कौन हो तुम? कहाँ जाना है? मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। लगता है कुछ परेशान हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम यही सोच रहे हो ना कि यह मुझसे क्यों बात कर रहा है? मेरा नाम मूर्ति है। ऑफिस के काम से चेन्नई जा रहा हूँ। बस मिस हो गई और दोपहर के 2 बजे तक कोई बस नहीं है। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर तुम्हारी परेशानी जानने का मन किया, इसीलिए पूछ रहा हूँ। देखो बेटा, किसी को परेशानी में देखकर चुप रहना मुझे नहीं आता। मेरा मानना है कि किसी को परेशानी बताने से मन का बोझ हल्का होता है। मुझे बड़ा मानकर नहीं, अपना दोस्त मानकर अपनी परेशानी बताओ। मुझे बताने से तुम्हारे दिल का दर्द पूरा नहीं लेकिन थोड़ा तो कम होगा। मेरा नाम सूर्या है। मैं पोलावरम के एक छोटे से गांव से हूं। जब मैं 10 साल का था तभी मेरे माता पिता की मौत हो गई। बाद में कुछ दिन अपनी मौसी के यहां रहा। उन्हें परेशानी हो गई इसलिए वहां से राजमंड्री आ गया। वहां बाशा नाम के ऑटो ड्राइवर ने मुझे पाला। उसने मेरी देखभाल की। बड़े होकर मैं भी एक ऑटो ड्राइवर बन गया। ठीक है, देखता हूं। जी नमस्ते। हाँ ठीक है, ठीक है, आप आइए ना, बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलिए। मेरी बेटी की शादी के लिए बैंक में जमा किया हुआ पैसा विड्रॉ करके पैसों का बैग ऑटो में ही भूल गए सर। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कोई छोटी मोटी रकम थी जो रख के भूल गए? ऐसा मत कहिए सर, पैसे नहीं मिले तो हमारे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है सर। साहब जी आप ही कुछ कीजिए ना साहब जी। ठीक है ठीक है, आपको ऑटो का नंबर याद है क्या? अच्छा ये बता सकते हैं कि ऑटो ड्राइवर दिखता कैसा है? यही कुछ लगभग 20-22-25 साल का होगा। वो हमारे पड़ोसी के लड़के की तरह दिखता है लेकिन वो बहुत चालाक है सर। ऐसे लड़के के ऑटो में बैग भूल गए? अब तक तो वो किसी लड़की के साथ गोवा भी चला गया होगा। अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं। कुछ पता चला तो आपको बताऊंगा, डिटेल्स देके जाइए। सर ये बैग हमारा ही है बेटा। आंटी आप बैग मेरे ऑटो में भूल गई थी। हर जगह ढूंढा पर आप कहीं मिले नहीं, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन आ गया। देख लीजिए सारी चीजें हैं या नहीं। सब है जी। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। खुश रहो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? सर सूर्या। शाबाश, तुम्हारे जैसे लोगों पे गर्व होता है। कीप इट अप। चलता हूँ सर। शुक्रिया बेटा। रेलवे स्टेशन चलोगे? बैठिए सर।
जल्दी चलो बेटा, ट्रेन का वक्त हो गया है। घबराइए मत सर, मैं आपको शॉर्टकट से लेकर जाऊंगा। दो मिनट में आपको स्टेशन पहुंचा दूंगा, देखना। इस स्टेशन के पीछे का रास्ता है, ट्रेन से पहले आप पहुंच जाएंगे। ये लो बेटा। सर छुट्टा नहीं है क्या? अरे अब नहीं है बेटा। ए, अंधा है क्या? उतर नीचे, उतर उतर। तू इंसान है या जानवर? इतना बड़ा ऑटो दिखाई नहीं दिया। ए, बीच सड़क पे ऑटो क्यों खड़ा करके रखा है? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? क्या रे बकवास कर रहा है? एक दूंगा। घूरना बंद करो, निकल यहां से। ये लीजिए सर। कितना हुआ? 120 हुआ मैडम। ऑटो का रेट नहीं, मीटर कितना हुआ बताओ। 120 हुआ मैडम। क्या 120? चौरस्ते से कॉलेज तक का 60 भी नहीं होता। तुम्हारे ऑटो में एसी है क्या जो डबल किराया ले रहे हो? चाहो तो आप मीटर देख लो। वो तुम्हारा मीटर है, 120 क्या 420 भी दिखाएगा। तुम जैसे घुमाओगे वैसे घूमेगा। तुम पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन सॉफ्टवेयर वालों से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हो। सच कह रहा हूँ मैडम, आप खुद ही देख लो। रोज आती हूँ, मुझे पता है 30 रुपए बनता है वही दूंगी। अगर मुझसे ज्यादा बहस की ना तो पुलिस को बुलाकर तुम्हें और तुम्हारे ऑटो दोनों को अभी के अभी अंदर करवा दूंगी। अंदर? सुबह सुबह घाटा करवा दिया। क्या हुआ गीता? बेवकूफ खुद को शाना समझता है, मेरे सामने स्मार्ट बन रहा था इसीलिए मूड खराब हो गया। उससे क्या झगड़ा करना यार, चाकू आकर सेब पर गिरे या सेब आकर चाकू पर गिरे, कटता तो सेब ही है ना यार। जाने दे, चल क्लास का टाइम हो रहा है। सुपर। ऐसा लग रहा है तालाब की सारी मछलियां सड़क पर आ गई है। क्या चाल है, क्या ढाल है, शोरूम से निकली नई गाड़ियों की तरह चा 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 चमक रही है। शायद नंबर प्लेट नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है शायद। क्या बोला? वही यार, गले में मंगलसूत्र नहीं है ना, लगता है किसी की शादी नहीं हुई है। लड़कियां देखने में सुंदर होती हैं लेकिन कैरेक्टर शौक देता है। क्यों यार, ऐसा क्यों कह रहा है? कल एक सुंदर लड़की मिली थी। हाँ। देखने में एकदम हिंदी फिल्म की हीरोइन जैसी। हाँ। लेकिन उसका कैरेक्टर एकदम इंग्लिश फिल्म के विलन जैसा है। अच्छा। अरे भाड़ा दिया नहीं, ऊपर से मुझको धमकी देकर चली गई। अच्छा। हाँ। लगता है लड़कियों से बचकर रहना पड़ेगा, अब लड़कियों को नहीं बिठाऊंगा। चलती हूँ माँ। अरे गीता रुक जा, नाश्ता तो करके जा, बिना खाए नहीं जाते बेटा। प्रोजेक्ट वर्क है माँ, गांधीनगर जाकर वहाँ से कुछ सामान लेना है और फिर। ठीक है पहले बैठ। पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट से, रोज ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा, कुछ तो खाकर जाना चाहिए ना। कम से कम ब्रेड और जाम तो खा बस। जब देखो जल्दबाजी, तेरे पापा अगर शहर में रहते तो कम से कम तुझे कॉलेज में तो छोड़ देते, जब देखो बिजनेस टूर पे रहते हैं। बस कीजिए, कॉलेज के लिए देर हो रही है। गीता पानी तो। ओहो हमेशा जल्दबाजी। अरे रुक तो गीता। अरे वीर। हाँ दीदी। गीता को गांधीनगर में काम है, जरा लेकर जा तो। ठीक है चलो। मुझे क्या देख रही तू, जाना। ध्यान से लेकर जाना इसे। ठीक है। हाय। हाय कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कौन है तू? गीता से बात कर रहा है? हाँ ये मेरी है, ध्यान रखना इस बात का। दोबारा बात की तो मार दूंगा, मार डालूंगा। मैं जिससे बात करूं उसे मार दोगे? हमेशा ऐसा ही करते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं आती। आई एम सॉरी। इतनी देर क्यों की? क्या करती, रास्ते में बहुत ट्रैफिक। ठीक है चल।
क्या हुआ गीता? इस बेवकूफ के साथ इसीलिए नहीं आती, हमेशा यही होता है, किसी से भी मारपीट करने लगता है। हाँ? ए, मेरा दुपट्टा! ए, जल्दी चल, चल चल, जल्दी कर, जल्दी चल, जल्दी चल, ऑटो, ऑटो, जल्दी चल। चला तो रही हूँ। हाँ हाँ। ओ। इस तरफ से चल, जल्दी चल, जल्दी कर। हे ऑटो, जानबूझ के ऑटो भगा रहा है। ऑटो, ऑटो। अरे सुनो, जल्दी चलो। कावेरी मेरी जान, आ रहा हूँ, स्टेशन के पास ही हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, हर बार मायके मैं ही भेजता हूँ ना। हाँ, रुको। ए ऑटो, बेटा और तेज चलाओ ना। ए ऑटो, क्या गलियों में लेके जा रहा है, जल्दी चल, तू जल्दी चला ना। ऑटो, ये लो बेटा, यही हूँ मेरी जान, आ रहा हूँ। ये लीजिए छोटा। ये क्या, 20 ही दिए? मीटर में 80 हुआ है, जाइए ना। अच्छा। ए हेलो, तुम पागल हो क्या? कुछ सुनाई नहीं देता तुम्हें? जानबूझकर ये सब कर रहे हो ना, ऐसे ऑटो चलाते हैं, आवाज देने पर भी नहीं रोकते। अपने आप को समझते क्या हो? पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तब पता चलेगा। झगड़ा करके क्या फायदा, दुपट्टा आकर ऑटो पे गिरे या ऑटो आकर दुपट्टा पे गिरे, फटता तो आखिरकार दुपट्टा ही है। तू अपना मुंह बंद कर, चल यहाँ से। भैया भैया। अबे भैया, किसको बोला बे? मेरा नाम जानी है। जानी जी, मुझे श्यामलाल थिएटर जाना है, चलोगे क्या? अभी टाइम कितना हो रहा है? 10:50। तो मीटर से 50 रुपया ज्यादा होगा। 50 रुपया? इतना ज्यादा क्यों जी? देखो पैसेंजर, ऑटो मूवी के ब्लैक टिकट से भी बढ़कर है, जितना होगा लेट उतना बढ़ेगा रेट। जानी जी, हमारे फेवरेट स्टार की मूवी है जी, टिकट भी मुझे ब्लैक में लेना पड़ेगा, कुछ तो सोचिए ना जी। पहले कितना कहा था? 50 जी। अब 100 बढ़ेगा। क्यों जी? पहले कहा था ना, जितना लेट होगा उतना रेट बढ़ेगा। तुम्हारी मजबूरी ही हमारी आमदनी है, सोच लो, जितना लेट करोगे उतना रेट बढ़ेगा। ऐसे पैसेंजर रोज मिलने चाहिए। ऑटो, फिर से यही। गायत्री कॉलेज। आइए बैठिए। जल्दी चलो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। यह कोई शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है जो मैं जल्दी भगा दूं। अच्छा, मैं तो यही समझकर बैठी थी। माँ, माँ उठो, माँ। सर सर सर, ऑटो रोकिए सर, मेरी माँ ठीक नहीं है सर। भैया, भैया भैया, ऑटो रोकिए, मेरी माँ सीरियस है। भैया भैया, अरे देखे रहो, उठो ने ध्यान से, उठो ध्यान से, ध्यान से माँ, ध्यान से। हाँ, आप यहाँ बैठिए। हम हॉस्पिटल पहुंच गए, आप ध्यान से उतरिएगा। Thank you.
इन्हें संभालना, मैं बस अभी आया। आराम से। सिस्टर, पेशेंट को सलाइन देना कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। बीपी चेक करते रहिए। ओके सर। ओके ओके। सही वक्त पर लेकर आ गए, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना उनका। ठीक है भैया। तो चले आ जाओ। कितना हुआ? रहने दीजिए, उस दिन पैसेंजर को छोड़ने के बाद मीटर अप करना भूल गया था मैं। मुझे लगा वो रीडिंग आपकी है, सॉरी मैडम। ये लीजिए, कोई बात नहीं। इसकी क्या जरूरत? इंसानियत के नाते आज आपने किसी की जान बचाई, उसके आगे ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। कम से कम ऐसे तो उस अच्छे काम में मुझे हिस्सा बनने दीजिए। प्यार की तू कोई तस्वीर है, तू ही मेरे हाथों की लकीर है। चांद उतर आया है जमीन पर, लग रहा है यूं छू गया है दिल को कोई, लग रहा है यूं। क्या हुआ गीता, फिर से झगड़ा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, आज उसने अपनी गलती मान ली। देखने में अच्छा इंसान लग रहा है, बेकार में ही मैंने झगड़ा किया। पुरानी बातों को लेकर क्यों सोच रही है तू? तूने कहा और उसने अपनी गलती मान ली, अब छोड़ भी यार। हाँ लेकिन बहुत रूडली बात की मैंने, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तेरे बारे में वो कुछ भी सोचे, उसके बारे में तू जो भी सोचे, अगर कोई झगड़ा हो गई तो परेशानी हमें होगी ना। चल। इंसान है, रोज तो बिना इंतजार किए ही आ जाता था, आज मैं उसका इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ तो आ ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। ऑटो, गायत्री कॉलेज। हाँ बैठिए बैठिए। थोड़ा जल्दी चलिए ना, पैसे ज्यादा दे दूंगी मैं, आप जल्दी चलिए। आप रेट बढ़ाएंगी तो भी मैं स्पीड नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे बेटा अगर 60 साल जीना चाहते हो तो कभी 20 से ज्यादा स्पीड मत बढ़ाना। इसलिए मैंने 10 साल की जिंदगी में कभी 20 की स्पीड क्रॉस नहीं की। इसलिए मेरी गाड़ी पर कोई स्क्रैच नहीं है और सर पर भी स्क्रैच नहीं। ऐसे चलाएंगे तो मेरा एग्जाम मिस हो जाएगा। एग्जाम मिस हो जाए तो दोबारा आ जाएगी, लेकिन जान चली जाए तो क्या दोबारा आएगी? नहीं ना। इसलिए मेरे दादाजी कहते थे कस्टमर भगवान होता है,
कस्टमर की सुरक्षा ही हमारा फर्ज है। महापुरुष थे वो। मुझे इसकी आदत है जी। जान छुटी इससे। नहीं मैडम नहीं, कस्टमर की सुरक्षा ही हमारा फर्ज है। आपके लिए दूसरा रिक्शा कर देता हूँ। आइए मैडम, आइए आइए। बहुत महान है। तुम ध्यान से जाना भाई, जाओ जाओ। एग्जाम का टाइम हो रहा है, आप जल्दी चलिए। अरे आप? आज तुम यूनिफॉर्म पहन के चला रहे हो? सुबह ही धोया है इसलिए पहन लिया। वैसे हमेशा ऐसे जल्दबाजी करने के बजाय घर से जल्दी भी तो निकल सकती हो। पहले ही निकली थी मैं तो, एक फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। ओह, वो नहीं आए क्या? नहीं। वैसे कल तुमने जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था उनकी तबीयत अब कैसी है, क्या दोबारा गए थे? हाँ मैं गया था, वो ठीक है। अगर तुमने उन्हें कल वक्त पर नहीं बचाया होता तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। मैंने क्या किया मैडम, जब कोई इंसान मुसीबत में हो इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। वैसे आप कभी बाइक पर जाती हो कभी ऑटो में, बात क्या है? पापा होते तो वही ड्रॉप करते, लेकिन अभी यहाँ नहीं है ना वो। वीर की बाइक से जाओ तो कॉलेज पहुंचने से पहले दो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, इसीलिए उसके साथ आने से अच्छा है कि मैं खुद अकेले ही ऑटो से कॉलेज पहुंच जाऊं। जॉनी जी घंटा घर जाना है जी। ट्रैफिक जाम है, मैं नहीं आ सकता। प्लीज जी मेरा इंटरव्यू है जी, जाना है। मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। जॉनी जी प्लीज प्लीज। ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे इसलिए मैं चलूंगा। हाँ? मीटर से 200 रुपए ज्यादा लूंगा तभी चलूंगा। 200 ज्यादा, इतना क्यों जी? देख भाई, ये ऑटो भी एकदम सरकारी नौकरी की तरह है जिसे पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है ना। ये क्या, उस दिन फिल्म के लिए आपने 100 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे। पैसे तुम गंवा रहे थे लेकिन इसमें तुम पैसे कमाओगे। हाँ, तुम्हारी मजबूरी मेरी कमाई है। हाँ, ज्यादा सोचो मत नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। मेरी फूटी किस्मत, मेरी किस्मत 100 रुपए। चलो आओ गीता। नहीं जाना। ये क्या दीदी? तू बेकार टेंशन मत ले, आज बाइक पर नहीं बैठी, कल तेरे साथ मंडप में बैठेगी ना, उसकी बातों का बुरा मत मान।
हमेशा की तरह तो है, ये ब्रिज, ये बोट, ये पानी, ये लोग, ये सब वही तो हैं। ये लो खा लो। नहीं, इसकी क्या जरूरत। अरे ले लो ना। अरे लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सूर्या। वैसे सूर्या, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? वो नहीं है, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, उसके बाद मैं राजमंड्री आ गया। भाषा नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने मुझे पाला, मैं भी ऑटो ड्राइवर बन गया। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? लोग माँ बाप के बिना रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों के बिना बिल्कुल नहीं। मेरे जॉनी नाम का एक दोस्त है, वो भी मेरी तरह ऑटो ड्राइवर है। तो गर्लफ्रेंड्स? मैं कौन सा इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी, ऑटो ड्राइवर हूँ मैडम। और तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ? पापा बिजनेसमैन है, महीने में 20 दिन वो बाहर ही रहते हैं, और माँ हाउसवाइफ है, सारा दिन घर के कामों में वो बिजी रहती हैं। भाई है नहीं, मैं अकेली हूँ, इसीलिए सारा प्यार सिर्फ मुझे ही मिला है, और मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश हूँ। मतलब तुम्हारे कोई सपने वगैरह नहीं है क्या? अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बीटेक कम्प्लीट करना। अरे ये क्या बात हुई, पैसा है, प्यार करने वाले माता पिता है, कोई कमी नहीं है तुम्हें, फिर भी तुमने कुछ डिसाइड नहीं किया? बीटेक कम्प्लीट करने में अभी वक्त है ना, उससे पहले कुछ डिसाइड कर लूंगी। वैसे तुमने क्या सोचा है? मैंने रोज पीछे बैठे पैसेंजर के बताए रास्ते पर चलने के अलावा ये सब सोचने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास, लेकिन जरूरत के हिसाब से लोगों की मदद करना ये जरूर करता हूँ मैं। और फ्री टाइम में क्या करते हो? और क्या करूँगा, पैसेंजर्स का वेट करता हूँ। तुम हंस क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं। हेलो, बकरा आ रहा है। हाँ जानू, मैं बस आ ही रहा हूँ, जरा एक मिनट रुकना। जॉनी जी, हाँ, अर्जेंटली देवी चौक जाना है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। ओहो, ज्यादा नहीं, 400 रुपया होगा। ये क्या, जब भी मिलते हो हर बार पैसा डबल कर देते हो। गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए इतना खर्चा तो होता ही है। मेरी गर्लफ्रेंड है ना। गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड है, किसी की भी हो। ठीक है चलो, मेरी किस्मत ही खराब है, दोबारा फंस गया। बैठो। हे भगवान, बहुत देर हो गया। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अब पकड़ में आया। ए रोको, इधर आओ। ए, लाइसेंस है क्या? लाइसेंस के बिना ड्राइविंग कैसे करेंगे सर? चलो दिखाओ। पर्स कहाँ गया? हेलो, बहुत ढूंढ लिया, चलो 500 रुपए निकालो। पर्स यही था सर, आरसी बुक भी था मेरे पास सर। डांस बंद करके पैसे निकालो, दो। ढूंढने का टाइम भी नहीं देते। इस पुलिस वाले ने तो आज मुझे ही बकरा बना दिया। जाओ। लेकिन पर्स कहाँ जा सकता है? ये पर्स। हाँ, ये पर्स तो मेरा है, तेरे पास कैसे आया? हाँ, जानबूझ के चुराया था। हाँ, देखो ऑटो वाले भैया, 100 सोनार की, 1 लोहार की। यस, हाँ, याद रखना। अगर दोबारा मिला ना तो तुझे किक दिखाऊंगा। अरे पीछे मत देखो, मेरे पापा हैं।
अबे ये गर्म पानी इतना फीका क्यों है? ऐसे मत देख मुझे, काम कर। एक काम कर, वो जो सिगरेट है ना वो मुझे दे। क्या हुआ यार, इतना उदास क्यों लग रहा है? कुछ नहीं हुआ यार। कुछ नहीं तो चेहरा ऐसे क्यों बना है जैसे कोई लाश लेके जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? और कहाँ, ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर? तू ब्यूटी पार्लर जाकर भी मेरे जितना सुंदर नहीं बन। सही नहीं है यार। अच्छी तो है। चाय की नहीं तेरी बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से तू बहुत उदास है, कोई परेशानी है तो बता। तू जरूर कुछ तो छुपा रहा है मुझसे, कुछ है तो बता मेरे यार। ए, कहा ना कुछ नहीं, मैं घर में। कहाँ गई होगी, मैंने तो फोन नंबर भी नहीं लिया, ले लेता तो अच्छा रहता। हाय, क्या हुआ, गीता को ढूंढने आए हो क्या? उसके घर पे फोन किया पर किसी ने उठाया नहीं, क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? मैं भी यही जानने के लिए यहाँ आया हूँ। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, उसका और कोई नंबर भी नहीं है मेरे पास। ओके, मैं चलती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारी लव स्टोरी, इंजीनियरिंग पढ़ने वाली एक लड़की और एक ऑटो ड्राइवर के बीच प्यार, अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो लड़की को कहाँ ले गए, कहीं उसके पापा को तुम्हारे बारे में पता तो नहीं चल गया? दोबारा तुम्हारी मुलाकात हुई, बहुत एक्साइटिंग है, बताओ बाद में क्या हुआ? फिर समझ आया कि वो दूरी हमें पास लाने के लिए थी। सूर्या, आई मिस यू सूर्या। तुम्हारे बिना मेरी जान चली गई थी गीता, कहाँ चली गई थी इतने दिन? नाना जी की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए अचानक जाना पड़ा। तुमसे दूर रहकर मैं खुद से दूर होती जा रही थी, अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और भाई, क्या हाल चाल है? हाँ? पता नहीं, मैं देख रहा हूँ आजकल तेरा मूड हर दिन बदल रहा है। कल तक तो ऐसे लग रहा था जैसे ऑटो में पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल की टंकी फुल है। क्या बात है? वैसे टाइम क्या हो रहा है? अरे चला गया। धत तेरी तो, ये मुझे रोज टॉर्चर कर रहा है। एक और चाय दे। पहले पैसे दो। पैसे दे दूंगा यार, एक और चाय दे। हर कोई पैसे के पीछे पड़ा है। वैसे प्यार का क्या मतलब है? प्यार 2.5 अक्षर है। उल्लू में भी तो 2.5 अक्षर होते हैं। तो क्या हम उल्लू हैं? नहीं, उल्लू तो नहीं। हाँ है, उल्लू ही है, प्यार के उल्लू। सूर्या, जिंदगी भर हम ऐसे ही रहे तो कैसा लगेगा? तुम साथ रहोगे तो जिंदगी भर मुझे अच्छा ही लगेगा। माँ, माँ, माँ,
क्या हुआ माँ आपको? किसके साथ घूम कर आ रही है तू? हाँ, पहले तो टाइम पे घर वापस आती थी, मुझे लगता था कि पढ़ाई कर रही है, पीठ पीछे ऐसे गुल खिला रही थी तू। बच्ची बच्ची कहकर लाड़ करना मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। हाँ मैं गलत थी। ये क्या प्यार भी किया तो रिक्शे वाले से? सूर्य बहुत अच्छा इंसान है माँ। बस कर, उसके साथ ऑटो में बहुत चिपक रही थी और ऊपर से उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रही है। मतलब इतनी जल्दी इतना प्यार? हाँ मैंने उससे प्यार किया है माँ, कोई गलती नहीं की। बस और कुछ मत बोल, हमारी तो नाक कटवा दी तूने। सब सब हमारी गलती थी, हमारी गलती। देख गीता, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। उस ऑटो वाले से दोबारा मत मिलना। तेरे पापा को अगर इस बारे में पता चला ना, तो हम दोनों को जान से मार डालेंगे वो, समझ गई? आपने बिल्कुल सही कहा था सर कि टेंशन बांटने से कम हो जाती है। अब मेरी टेंशन कम हो गई। लेकिन मुझे टेंशन शुरू हो गई। तुम्हें हिम्मत देने के लिए मैंने तुम्हारी कहानी सुनी थी, सुनने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। जो भी हो, पेरेंट्स से छुपकर एक लड़की को घर से भगाना बिल्कुल गलत ही है। सही है सर, मैंने भी उस लड़की को यही समझाया, लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे, भागने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कहकर फोर्स करके मना लिया। मैं भी क्या करता सर, लड़की जबरदस्ती कर रही है तो तुम क्या कर सकते हो? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजमंड्री से चेन्नई जाने वाली बस बस स्टैंड नंबर 2 से रवाना होने के लिए मेरी बस निकल रही है, मैं चलता हूँ। देखो सूर्या, तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारा प्यार सफल हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। एक पानी की बोतल दीजिए। इतनी देर क्यों हो गई? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले चलो। ठीक है चलो। सुनिए, हैदराबाद की बस कहाँ मिलेगी? वो देखो जा रही है, चलो। Yeah.
चलो जल्दी चलो जल्दी 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 गीता हाँ चलो उस्ताद हमने क्या कमी रखी थी जो उसके साथ चली गई बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं रखी लाड़ प्यार से पाला है हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसा फैसला लिया शुरू से स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आती थी तो मैं अपनी बेटी के बारे में सबको बताता था अब क्या बताऊंगा कि वो एक ऑटो वाले के साथ भाग गई ये बात जानते हुए भी मुझसे छुपा कर तुमने बड़ी गलती की है नहीं जी बस मुझे सब पता चल चुका है कल बस स्टैंड में अकेला बैठा था तो बात की अपनी लव स्टोरी पूरी सुनाई उसने जब सुन रहा था तो पता नहीं था कि वो मेरी बेटी को ले जाने वाला है छी किसी बाप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी बेटी सूर्या नाम के ऑटो ड्राइवर के साथ चली गई आप कैसे जानते हैं कि उसी के साथ भागी है उसी ने बताया सर क्या उसी ने बताया हाँ सर प्यार की शुरुआत से लेकर हैदराबाद जाने तक सब कुछ क्लियरली उसी ने बताया मुझे सर फिर भी आपने कुछ नहीं किया ये तो पता था कि वो भागने बस स्टैंड आया था लेकिन मेरी बेटी के साथ जा रहा है ये नहीं पता था बहुत कंफ्यूजिंग है वैसे आप उसे कैसे जानते हैं क्या बताऊं सर वो परेशान था इसलिए पूछ बैठा मतलब कोई दुखी हो तो बात किए बिना नहीं रह सकता इस तरह से उससे मेरी मुलाकात हुई लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरी ही आंखों के सामने मेरी ही बेटी को भगा कर ले जाएगा आपके सामने भाग रहे थे तो रोक सकते थे ना तब मैं चेन्नई की बस में था सर उतर कर आने से पहले वो दोनों हैदराबाद की बस में बैठ गए कुछ भी कीजिए जल्दी पकड़ लीजिए सर प्रसाद सर उसके किसी दोस्त से पता करो कि वो कहां गए हैं जी सर उसका एक दोस्त है सर लेकिन उसे कुछ नहीं पता ये भी उसी ने बताया अपनी सर्विस में इतना टिपिकल केस कभी नहीं देखा ठीक है हम कुछ भी करके उन्हें पकड़ लेंगे आप जाइए कोई खबर मिलेगी तो कॉल करूंगा जी सर पहले किसी होटल में चल के फ्रेश होके सोचते हैं कि हमें क्या करना है सुनिए पास में कोई होटल है हाँ है बैठिए लेकर चलता हूँ कितना हुआ मीटर के 100 50 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पर क्यों हेलो मैं भी तुम्हारी स्कूल में पढ़ा हूँ राजमंडी में मीटर जितना दिखाता है उतना लेते हैं अरे क्या बात तुम आ जाओ सुनिए कुछ पता चला क्या नहीं वसु पुलिस ने सारे स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है ऑलरेडी मैंने अपने दोस्तों को भी बोल दिया है वो भी ढूंढ रहे हैं वो अभी बच्ची है जी उसे तो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है जी दुखी मत हो वसु कल मैं और वीर हैदराबाद जा रहे हैं कहीं भी वो ढूंढ कर ले आएंगे हाँ, तो अब आगे क्या करना है अब शादी ही तो करनी होगी ना क्या कह रहे हो इतनी जल्दी शादी उसके लिए तो अभी वक्त है ना ये क्या हम लोग घर से भाग कर आए हैं ना अब शादी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे पहले हमें सेटल होना है सेटल होना मतलब जीने के लिए पैसे कमाने हैं घर का रेंट बिजली का बिल दूध सब्जियाँ ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं ना इसीलिए वॉचमैन पानी नहीं आ रहा है नहीं आएगा कैसे आएगा लड़कियां बाथरूम में जाए तो बिल्कुल नहीं आएगा हेलो
ये कैसा जवाब है? मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? अरे चाचा, बिना पानी के नहाएंगे कैसे? उसमें क्या है बेटा, आप बाथरूम में जाइए, पानी आ जाएगा, आप जाइए। मुझसे इस तरह से बात करता है और इससे इतने अच्छे से, पागल है क्या? सुनो गीता, मैं बाहर होके आता हूँ। क्यों? क्यों क्या, कोई काम ढूंढने के लिए? मैं भी आऊंगी। क्यों? नौकरी ढूंढने के लिए। इस वक्त हम दोनों का साथ में बाहर जाना सही नहीं है। इस वक्त मेरा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। बात को समझो गीता। तुम ही समझो, हम साथ रहने आए थे, इसीलिए तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। इस कमरे में अकेले रहना मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। मेरी बात तो सुनो। कुछ मत कहो, जाएंगे तो साथ ही बाहर जाएंगे, नहीं तो तुम भी घर पर ही रहो। क्या करना है तुम डिसाइड कर लो। अरे सुनो यार, मैं शीनू के रूम पे आ गया हूँ, तुम भी जल्दी से यहीं पे आ जाओ, मस्त पार्टी करते हैं। वो अभी फोन नहीं उठा रहा है, उसे पता नहीं कि हम लोग पार्टी करने वाले हैं। यार उसका दरवाजा तो खुला हुआ है, लगता है वो अंदर ही है। मेरे हाथ में बोतल देखेगा ना तो देखते ही उछल पड़ेगा, सरप्राइज हो जाएगा। अरे यार आइटम है यार, वो इसीलिए फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ से लेके आया, लेकिन आइटम मस्त है। ए, मैंने कहा था ना कि हम लोगों को अवॉइड करके किसी और के साथ घूम रहा है, यहाँ एक और है, दोनों मिलके लड़की के साथ मजे कर रहे हैं। एक मिनट रुक जरा, वो कहाँ है? इसने मुझे क्यों मारा? क्या हुआ बॉस, तुम दोनों क्यों मार रहे हो? मतलब तुम वो नहीं हो? अच्छा श्रीनू कहाँ है? पहले वो यहाँ पर रहता होगा, अब हम यहाँ पे रहते हैं। ये शुरू में ही बता सकते थे ना। ये तुम पहले भी पूछ सकते थे ना। ए, पार्टी कैंसल, तुम जिसे फोन कर रहे हो वो स्विच ऑफ है, पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। इस फोटो वाली लड़की को देखा है? नहीं देखा। इस फोटो वाली लड़की को देखा है क्या? नहीं। आपने देखा है क्या भाई? श्रीनु नहीं है क्या? लड़का तो मस्त गुलाब जामुन की तरह है, देखकर खाने का मन कर रहा है। हम लोग यहाँ पर नए हैं, श्रीनू को हम नहीं जानते। ये तो श्रीनू से भी भारी है। आज मौका बहुत अच्छा है, आज तुम्हें मौके का फायदा उठा ही लेते हूँ। आजा जानू। दिखते नहीं लड़की खड़ी है? दैट नॉटी, अगर ये लड़की नहीं होती तो मैं आज नहीं छोड़ती। वैसे भी मैं लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करती, प्लीज कम ऑन, मेरे लिए दोनों एक ही है। क्यों बहना, अगर मैं इसे ट्राई करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, वैसे भी इसके बहुत दीवाने हैं। हाँ? लेट करोगे तो कोई और आ जाएगा। थैंक यू, कम ऑन राजा, कम ऑन। तुम बहुत बुरे हो राजा, इतना अच्छा मौका था, अगर मेरा श्रीनू होता तो वो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ता। हे भगवान, ये श्रीनू कौन है, मेरा दिमाग खराब रखा है। तुझे प्लीज राजा, एक मौका, एक मौका राजा, प्लीज 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 राजा, खोलो ना। चला गया क्या? अरे क्या राजा, आइसक्रीम खाओगी? नहीं। एक मिनट, दो ऑरेंज आइसक्रीम देना। ये लो। अरे ले लो, तुम्हारे लिए ही है। वैसे ये शीनू कौन है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसके नाम से हर रोज कोई ना कोई आता है, वहां से जल्दी खाली करना होगा। पर अभी कहां जाएंगे, तुम प्रॉब्लम जानती हो ना, कुछ दिन बाद दूसरा घर ढूंढ लेंगे। कोई भी हो, मुझे क्या करना है। सुनो, कल गवर्नमेंट वालों ने 1 लीटर पेट्रोल पर 5 रुपए बढ़ा दिए हैं, इसलिए मैंने भी रूम का रेट 50 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, सब जोड़ कर दे दो। पैसे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले ये बताइए, इससे पहले यहाँ कौन रहता था? तुम्हें उससे मतलब, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? लेना देना कैसे नहीं है, कल कोई बियर बॉटल के साथ आकर पता नहीं क्या क्या बक कर गया, ऐसी जगह लड़कियाँ कैसे रह सकती हैं?
पैसे लिए है ना, अच्छा रूम देना चाहिए ना। हैं? बहुत ज्यादा मत बोलो, बिना शादी के साथ रहना ही इलीगल है। फिर तुम्हें ऐसा रूम नहीं तो क्या फैमिली रूम दिखाएंगे? ए ज्यादा मत बोलो, मुंह तोड़ दूंगी। ए मुंह तोड़ेगी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या समझती हूँ बताओ तुम्हें। गीता क्या ये सर, अभी इसका मूड ठीक नहीं, हम जाएं। नहीं ये कुछ भी बोल रही है, समझती क्या है? मैं पैसे दे रहा हूँ काम कर। गीता तुम चुप रहो ना, मुझे भगा रही है। ये लीजिए, समझाओ इसे, मेरे को जानती नहीं है ये। 100 रुपए भी देखिए, तुम लोग रोड पर आ जाओगे, बोल रहा हूँ मैं। ए तू जा, पता चलेगा फ्लाईओवर के नीचे सोओगे, समझी? ए जाना, क्या समझती है अपने आप को, पूरा मूड खराब कर दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? वो ब्रोकर है तो इसका मतलब जो मर्जी आए वो बोल दोगी? वो नहीं होता तो घर नहीं मिलता। अरे क्या है यार ये, वो कोई समाज सेवा कर रहा है जो इज्जत से बात करूंगी? जो भी कर रहा है पैसे लेकर ही तो कर रहा है ना। लेकिन पैसे के बावजूद क्या होटल वाले ने कमरा दिया? नहीं दिया ना। अगर ये नहीं होता तो हमें उस फ्लाईओवर के नीचे रहना पड़ता। वैसे भी तुम उसके साइड क्यों ले रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कल उस आदमी ने मुझे आइटम कहकर किस तरह से बात की तुमने देखा ना, ये सब सुनकर भी तुम चुप रहे। ए, तुम्हें क्या चाहिए? कोई काम नहीं है? कभी लड़के नहीं देखे क्या? आपने इस लड़की को देखा है क्या? एक्सक्यूज मी सर, आपने इस लड़की को देखा है क्या? ये लड़की कॉफी बहुत अच्छी बनी है, मुझे तो नहीं, मैं सच कह रहा हूं। कहाँ है वो? किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही श्रीनु, हम उसे नहीं जानते। क्यों रे, झूठ बोल रहा है क्या? या वो यही रहकर तुझसे नाटक करवा रहा है? हड्डियाँ तोड़ दूंगा। ए, भाई ढूंढो उसे। ठीक है भाई। जा। सर हम यहाँ नए आए हैं, हम किसी को नहीं जानते। गिरी नाम के एक ब्रोकर ने हमें घर दिलाया था। अंदर कोई नहीं है भाई। कोई नहीं है? अरे वो बड़ा लफंगा है, कर्जा करके बाहर घूमता है। उसके कमरे में क्यों रह रहे हो? देखने में बच्चे लगते हो, ध्यान से रहना। चलो। उस दिन जब गिरी से झगड़ा किया था तो उसे सपोर्ट कर रहे थे ना, अब क्या कहोगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? अरे हर छोटी बात पर गुस्सा करती हो, तुम चाहती क्या हो? गुस्सा नहीं तो क्या करूं? मैं कुछ भी कहूं तुम तो कुछ सुन ही नहीं रहे हो, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम सच में बहुत ज्यादा बदल गई हो, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती हो। अरे हुआ क्या है तुम्हें? कुछ भी मत बोलो, मुझ पर चिल्लाओ मत, मुझे भी चिल्लाना आता है। एक बार मेरी जगह रहकर सोचोगे तो समझ आएगा मैं कितने दुख और परेशानी से गुजर रही हूँ। क्या समझ आएगा? तुम क्या जानती हो मर्द की परेशानी? जब से आए हो देख रहा हूँ क्या चल रहा है ये सब। सीधा साधा मिल गया है इसलिए बच्चा समझ के खिलौने की तरह खेल रही हो। तुम औरत होकर मर्द को खाना बनाने के लिए कहती हो, कपड़े धुलवाओगी, झाड़ू लगवाओगी। बेचारा 5 दिनों से इस बात को अपने दिल के अंदर छुपाकर बहुत दुखी हो रहा है। अगर ऐसे ही तुम्हारे साथ करे तो महिला आयोग, टीवी चैनल्स, कानून भी है। तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए कोई नहीं है? एक मर्द दूसरे मर्द का साथ दे तो काफी है, कोई महिला अत्याचार नहीं कर सकती। तुम दुखी मत होना बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। गरजने वाला कभी बरसता नहीं है, झगड़ा करने वाली औरत कभी घर नहीं बसा सकती। इनको तो सबक की जरूरत है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं खुद नहीं जानती मैं क्या करूंगी। नहीं जाऊंगा। क्या करोगी? तुम्हारी तरह लड़कों के ऊपर अत्याचार करने वाली औरत को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तिहार जेल में डाल देंगे तो समझ में आएगा। गीता, उसने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा लेकिन उसे मारना गलत है। क्या गलत है? तुमने सुना ना वो औरतों के बारे में कैसे बात कर रहा था? अच्छा अब समझी, तुम्हारी तरफदारी कर रहा था ना। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा गीता, आजकल बहुत जिद्दी होती जा रही हो तुम। उस दिन मैंने कहा गलती से गिफ्ट टूट गया तो मेरी बात नहीं मानी, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा कर रही हो। आज तुमने बाप की उम्र के आदमी पर हाथ उठा दिया। माँ पापा का दिया गिफ्ट आंखों के सामने टूट जाए तो भी चुप रहूं? मेरे सामने कोई भी कुछ भी कहे सिर झुका कर खड़ी रहूं? ऐसे रहना मुझसे नहीं होगा। सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। अच्छा, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो बहुत अच्छा रहता। तो तुम क्या कर लेते? बोलो क्या करते? हाँ, तो मैं उस दिन तुम्हारे साथ इस तरह भाग कर आता ही नहीं। अच्छा, मुझे भी तुम्हारे बारे में पहले ही पता होता तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आती। तुम पर भरोसा करके माँ पापा को छोड़कर आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है।
गीता कहाँ चले गए थे? तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेले तुम्हारे बगैर इस घर में कैसे रह पाऊंगी? या सच में छोड़कर जाना चाहते थे मुझे? क्या इसीलिए मुझे लेकर आए थे? जानते हो मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अकेले कैसे रह पाती? बोलो। तुम इसकी वजह से मुझसे झगड़ा कर रही हो ना? तुम्हारे बर्थडे में गिफ्ट लेकर आया था, इसे बहुत ढूंढना पड़ा इसलिए मुझे देर हो गई। मैंने शादी के बारे में रजिस्ट्रार ऑफिस में पता किया, हम दोनों को कल बुलाया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इसे कहीं तो देखा है। तुम लोग वही हो ना जो भाग कर आए हो? कैसे हो? यही घर बसा लिया है क्या? गुड गुड, ठीक है। ए सर, जीप में बैठाओ। जी सर। सर सर, चलो गाड़ी में बैठो, आओ जल्दी। चलो बाहर आ जाओ। चलो। ए सुन सर, तो ग्रीन बावर्ची में जाके एक फैमिली पैक लेके आ। सर ओके सर। आप स्टेशन के बजाय हमें यहाँ लेकर क्यों आए सर? तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, चला जा। तुम उस लड़की को भगा कर लाए हो, उसके पिताजी ने तुम पर 372-502 केस किया है। अगर उन्हें बता दो कि तुम पकड़े गए हो तो कम से कम 15 साल जेल में रहोगे। अगर कोर्ट ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो उसके पिताजी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कहता हूं वो करो। ओके, उस लड़की से भी बात करनी है, चलो। हेलो, तुम आओ। आओ। देखो, मैंने उससे बात कर ली है, वो मान गया है। तुम भी सोच लो, तुम्हारे पिताजी के लगाए केस की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मेरी बात मानने में ही भलाई है। प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। दोनों को छोड़ने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। सर हमें छोड़ दीजिए, सर प्लीज। सूर्या, सूर्या, दरवाजा खोलिए सर। सूर्या सर, दरवाजा खोलिए, छोड़ मुझे। हट। चलो गीता। ए सर, कहाँ है तू? बिरयानी लेने आया। अरे बिरयानी छोड़, वो मुझे मारकर लड़की को लेके भाग गया, जल्दी आ।
पुलिस स्टेशन के दायरे में ही भागे हैं। देखते हैं कहां भागकर जाएंगे। चलो बेटा, लगता है अकेली हो। बहुत देर से देख रहा हूं, कोई परेशानी है? बताओ क्या हुआ, कहां जाना है? मैं शहर में नहीं हूँ। कल मैं और मेरा बॉयफ्रेंड साथ में आ रहे थे तो अचानक हम दोनों बिछड़ गए। अच्छा, ऐसा हुआ है। वैसे कुछ खाया पिया? एक काम करो, मेरा घर यहीं है, मेरे साथ चलो, फ्रेश हो जाना, ठीक है? तुम डरो मत, मैं हूं ना। चलो आओ बेटी। आओ बेटी, अपना ही घर है, आई मीन मेरा ही घर है, प्लीज कम इन, कम ऑन। सभी घर वाले शादी में गए हैं, उस तरफ बाथरूम है, फ्रेश हो जाओ, फील कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम, गो। मत करना प्लीज, मैं हूं ना, छोड़ो मुझे। कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जैसे लोग पहले शराफत दिखाते हैं और मन में घटिया ख्याल रखते हैं, और अकेली लड़की को देखकर सही गलत उम्र लिहाज सब भूलकर जानवर बन जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारे घर में भी औरत है। अगर तुम्हारी बेटी होती और उसके साथ भी ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता? मजबूर लड़की का फायदा उठाते हो। औरत की इज्जत करना सीखो, अपनी घटिया सोच को बदल दो। तुम्हें भी किसी औरत ने ही जन्म दिया है, ये मर्यादा भी भूल गए? औरतों से ही ये संसार चल रहा है, समझ में आया? और क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद मिले हो, कहाँ रहते हो? आपने इस लड़की को देखा है क्या? लड़की कौन है? मंगेतर जी। कहाँ से हो? दूसरे शहर से। फोटो में तो लड़की बहुत चमक रही है, जवान है ना, किसी के साथ भाग गई होगी। हाँ जी। कहा था ना, कहा था ना,
इतने हट्टे कट्टे लंबे होकर लड़की भाग रही थी तो क्या कर रहे थे हा? जब जवान लड़की घर में है तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए। बकवास कर रहा है। हेलो, कॉलर मेरा नहीं भगाने वाले का पकड़ना चाहिए। वैसे भी भागने के बाद फोटो लेकर घूमना नहीं चाहिए। इस तरह फोटो लेकर घूमने से लड़की नहीं मिल जाएगी। चल निकल बड़ाया। ए, तो क्या बोल रहा तुम्हें? पैसे खुद हमारे पास चलकर आने चाहिए। तुम सही कह रहे हो। बिल्कुल। ए, ए, सूर्या इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, आ जा। कहाँ चले गए थे? दो दिन से घर पर आ रहा हूँ, घर पर ताला लगा हुआ है, कहाँ गए थे? सर वो दो दिनों से गीता नहीं मिल रही है सर। उसी को ढूंढ रहा हूँ। मिल नहीं रही? मिल नहीं रही तो कहाँ ढूंढोगे उसे? वही तो समझ नहीं आ रहा है सर, वो जहाँ भी होगी घर को ढूंढती हुई आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। क्या गीता पहले कभी हैदराबाद आई है? नहीं तो। क्या इस एरिया के बारे में जानती है? वो भी नहीं जानती। कॉन्टेक्ट करने के लिए हमारे पास फोन भी नहीं है। बहुत टेंशन हो रही है सर। सूर्या, तुम्हारा इस एरिया में घूमना ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि तुमने पुलिस वाले को मारा है, तो वो पुलिस वाला तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा। इस वक्त गीता उन्हें मिल गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। गीता का कोई फोटो है क्या? वो तो नहीं है। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। बेटा, इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं सर। सुनिए, इस लड़की को कहीं नहीं देखा, देखा जी। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं भाई। आपने देखा है क्या? जी नहीं, नहीं देखा। थैंक यू भाई। ओके। अंकल जी, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली वो। ठीक है, आओ चलते हैं। अब क्या करेंगे सूर्या? पता नहीं है। प्यार इतना आसान नहीं है, इसमें हर पल लड़ने के सिवाय जीत नहीं सकते। जिससे प्यार किया है उसे बचाने के लिए और उसके माता पिता की कमी पूरी करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। तुम पर और तुम्हारे प्यार पर भरोसा है, वो जरूर मिल जाएगी। ए, सुनो, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा सर। नहीं देखा? चल चल। वो यहाँ कुछ नहीं जानती, घर और पार्क के सिवाय। क्या हुआ होगा?
कहां गया होगा आखिर? इतने बड़े शहर में मैं उसे कहां ढूंढूं? अब उसे कहां ढूंढूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं। कहीं पुलिस तो लेकर नहीं गई होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जहां भी होगी ठीक ही होगी, मेरा दिल यही कह रहा है। कुछ भी करके मुझे उसे ढूंढना ही होगा। जो भी हो, मुझे मेरा सूर्य चाहिए। वो जहां भी हो, कुछ भी करके मुझे ढूंढना होगा। हर जगह ढूंढ लिया वसु, अब भी घूम ही रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तुम घबराओ मत, हिम्मत रखो, मैं गीता को साथ लेकर ही घर आऊंगा। ठीक है? ठीक। आप यहां कैसे सर? कैसे क्या, मेरी बेटी कहां है? आपकी बेटी कौन सर? गीता, गीता। उस दिन बस स्टैंड में पूरी कहानी सुनाकर मेरी ही आंखों के सामने गीता को लेकर भाग गया। गीता आपकी बेटी है? ये बात मैं नहीं जानता। नहीं जानता, नहीं जानता है, नहीं जानता है तू। लड़की को लेके भाग गया और अब नाटक कर रहा है। बता कहाँ है वो, बता जल्दी। मैं बात कर रहा हूँ ना, रुको, इधर आ। सच कह रहा हूँ सर। बता, बता मेरी बेटी कहाँ है? सर वो क्या है? चुप क्यों है? बता अभी वो कहाँ है? आपको क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा सर। क्या हुआ उसे? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया है सर। अगर कुछ नहीं किया तो बता ना कहाँ है, तेरे साथ ही थी ना। परसों हम दोनों शॉपिंग करके आ रहे थे और मारिए सर, आपका गुस्सा करना जायज है, मारिए मुझे। ए, प्यार का मतलब मम्मी पापा से चुप कर भगा कर ले जाना नहीं है। माँ की तरह उसकी जरूरतें समझनी चाहिए, पिता की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन बीच में ऐसे कैसे छोड़ दिया? इतने दिन तू उसके साथ है, सोचकर अपने आप को हिम्मत दी मैंने। अब उसके साथ तू भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, वो कितनी परेशान हो रही होगी। आप चिंता मत कीजिए सर, उसे कुछ नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होगी ठीक होगी। कैसे चिंता ना करें, प्यार के पागलपन में भाग कर आ गए तुम लोग। जानते भी हो बाहर की दुनिया कैसी होती है। हमारे देश की राजधानी में बीच शहर के सड़क पर कुछ दरिंदों ने एक लड़की का बेरहमी से बलात्कार करके सड़क पर फेंक दिया और लोगों ने भी देखा, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। बहुत बेरहम लोग हैं। हमारे देश में धर्म भले ही अलग हो, लेकिन सारे मर्द एक जैसे हैं। अकेली लड़की दिख जाए तो भेड़िये की तरह पीछा करके भूख मिटा रहे हैं। इसीलिए आजकल जो लड़कियां अकेले जंगल में घूमने से नहीं डरती, वो समाज में लोगों के बीच घूमने से डरती हैं। जानते हो क्यों? जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है मर्दों ने। अगर अकेली लड़की दिख जाए तो वही काफी है, वो भेड़िया उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। चुपचाप बैठ, छोड़ो, बांधूंगा तेरा। गीता, आवाज मत कर। सूर्या, जल्दी भगा, इधर ही आ रहा है, चल जल्दी भगा। गीता,
छोड़ो उसे। भगा भगा। छोड़ो मुझे। चुप चुप चुप। जाने दो। ए चुप बोला ना। जल्दी गीता। चुप आ चल जल्दी भगा। जल्दी भगा। मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ो। जल्दी। जाने दो मुझे। ए गीता। अरे भगा ना। सूर्या। ए जल्दी भगा। सूर्या। छोड़ मुझे। ए जल्दी भगा। अरे और छोड़ जल्दी ना सूर्या पीछे करो मैं जल्दी जाने दो मुझे रोको सूर्या भगा 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 जल्दी 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 भगा भगा जल्दी सूर्या छोड़ दो मुझे प्लीज मुझे जाने दो चली जाना तेरी किस बात की है छोड़ो छोड़ो मुझे जाने दो मुझे तस्वीर है तू ही मेरे हाथों की लकीर है चांद उतर आया है जमीन पर लग रहा है यूं छू गया है दिल को कोई लग रहा है यूं Yeah.